Now we will talk about sedative, hypnotic, or anxiolytic related disorders. Now, sedatives, hypnotics, or anxiolytic, actually, yeah, these are interchangeable terms used for sedatives. Sedatives, वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको sedate कर देती हैं. उर्फ़े आम में हम इनको sleeping pills कहते हैं, tranquilizers भी कहते हैं. So these drugs are actually pharmacological medicines. और ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मतलब ड्रग स्टोर्स के ऊपर या आपके मेडिकल स्टोर्स के ऊपर ऑन प्रिस्क्रिप्शन, पूरी दुनिया में ऑन प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती हैं और यू कैन नॉट सेल देम ओवर द काउंटर. पाकिस्तान में अब ऐसा शुरू हो गया है कि दे डोंट गिव देम ऑन काउंटर, दे यूजुअली आस्क फॉर प्रिस्क्रिप्शन. दिस इज गुड. सो देर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ दीज सेडेटिव्स विच आर यूज. इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं. That is sedative, hypnotic, or anxiolytic related use disorder, and then intoxication disorder, then withdrawal, other disorders, unspecified disorders. We will look at these now. जो sedative, hypnotic, anxiolytic use disorder है, इसका similar criteria में हम criteria already discuss कर चुके हैं. So you have to go back to look at the criteria which we discussed in previous modules. नाउ सेडेटिव हिप्नोटिक इंटॉक्सिकेशन, इसका क्राइटेरिया ये है कि रिसेंट यूज ऑफ सेडेटिव, द पर्सन हैज रिसेंटली टेकिंग दैट सेडेटिव हिप्नोटिक और एंग्जुलेटिक या ट्रैंकुलाइजर, बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मेल अडेप्टिव बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंजेस डिवेलप ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर सेडेटिव हिप्नोटिक और एंग्जुलेटिक यूज. आपको उसके इधर लेने के दौरान या लेने के फौरन बाद आपको उसके अंदर मेल अडेप्टिव बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने में आएंगी. नाउ व्हाट आर दोज, वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स हैव टू बी देयर. क्योंकि इसका इसका जैसे कि नाम ही सेडेटिव है, इसका मतलब है वो बॉडी के फंक्शंस को सीडेट कर रहा है, स्लो कर रहा है. सो सबसे पहला है स्लर्ड स्पीच, बात जो है वो स्लर्ड है, वो आपको समझ नहीं आ रही, स्लो स्लो वेरी स्लो, इट्स नॉट ऑफ द नॉर्मल पेस एज इंडिविजुअल यूज टू टॉक. इनकोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी गेट, नेस्टेगमस, अगर आप देखें तो इसमें बहुत सी सिम्टम्स ऐसी हैं जो कि अल्कोहल की सिम्टम्स से या जैसे आप हमने दूसरे जो कैनबिस है या अभी हमने बात की ओपिएट की, उनके अंदर काफ़ी ये थोड़ी बहुत कॉमन है सिम्टम्स. एम्पेयरमेंट इन कॉग्निशन, पर्सन इज अनएबल टू कॉग्निटिवली, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, मतलब कंसनट्रेशन, मेमरी, डिसीजन मेकिंग, हायर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, वो जितनी भी उसकी हायर मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर इम्पेयरमेंट आएगी. स्टूपर और कॉमा, इसलिए ये स्टूपर और कॉमा का मतलब यह है कि द पर्सन टेक्स दीज पिल्स एंड स्लीप्स सो वरीज गो अवे, तो वो आराम से, मतलब वो स्टूपर का मतलब है कि एक बड़ी एक स्लीपी स्टेट है, या कॉमा की फेज में भी है कि वो बंदा सोया हुआ आपको लगता है कि कहीं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी एक्चुअली वट वॉज द पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स ही हैज टेकन or how many actually the person has taken. So this is about sedatives. These are manufactured medicines which are commonly taken as a result of anxiety disorder or prescribed in order to control anxiety. इसीलिए इनको anxiolytic कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये anti anxiety drugs हैं. और hypnotic actually इसलिए कहते हैं कि जब जब किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो लग रहा होता है कि द पर्सन इज इन अ स्लीपी स्टेट. सेडेटिव बिकॉज दिस सेडेट योर बॉडीली फंक्शंस. सो दिस वाज अबाउट सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंग्जियोलिटिक इंटॉक्सिकेशन. एंड वन नीड्स टू बी रियली केयरफुल के बच्चों के अगर लाते भी हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी को हो सकता है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, सो दे हैव टू बी केप्ट वेरी सेफ अवे फ्रॉम चिल्ड्रन और इवन फ्रॉम द पीपल, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु यूज देम एज अ वेरी सेफ मोड ऑफ कमिटिंग सुसाइड. सो बहुत सी अटेम्प्टेड सुसाइड जो हैं वो इन सेडेटिव और हिप्नोटिक और एंग्जोलिटिक के लेने से हो जाती हैं. सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि दे हैव टू बी, यू मे नॉट इंटेंड इट बट समटाइम पीपल हैव हैवी डोज और उसकी वजह से द बॉडी गेट्स सिडेटेड टू द लेवल दैट द पर्सन मे डाई.